हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ नागवा। हाल ही में दीव प्रशासन की ओर से नागवा बीच को एकदम नए लुक में पेश किया हुआ है, तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ नया बना हुआ है दीव के इस नागवा बीच पे। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दीव के नागवा बीच और गंगेश्वर महादेव को। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और नए हो हमारी चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ये है नागवा बीच का पार्किंग एरिया। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है नागवा बीच, जो दूरी हमें पैदल ही तय करनी पड़ेगी। नागवा बीच पे जैसे ही आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये सीटिंग एरिया, जहाँ पर आप घंटों तक अपनी फैमिली के साथ बैठ के समंदर की लहरों का लुत्फ उठा सकते हैं और यहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट और लंच का मजा भी ले सकते हैं। नागवा बीच के रास्ते में आपको बहुत सारे लोकल फूड के स्टॉल नज़र आएंगे, जहां पर आप गुजराती, चाइनीज, पंजाबी और साउथ इंडियन भोजन का आनंद ले सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं वो है नागवा बीच व्यू का, जो वेरावल से 85 किलोमीटर, कोड़ीनार से 45 किलोमीटर और ऊना गुजरात से पड़ता है 15 किलोमीटर की दूरी। यह एडवेंचर एरिया, यहाँ आप अपनी मस्ती में मस्त होकर एडवेंचर की मजा ले सकते हैं। दीव नागवा बीच पे आप स्पीड बोट, बनाना राइड, बम्पर राइड और पैरामीटर फ्लाइंग का भी मजा ले सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि दिल्ली देखा, मुंबई देखा, पर दीव नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। समंदर के खारे पानी में नहाने के बाद आप अगर मीठे पानी में नहाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी दीव टूरिज्म की ओर से यहाँ पर उपलब्ध है। दीव नागवा बीच के बैक साइड पर बने इस बिल्डिंग में आप मीठे पानी से नहा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे पर पर्सन 20 रुपये। नागवा बीच के बैक साइड पे ये बिल्कुल नया फूड जोन खुला हुआ है, यहाँ पर भी आप चाय, नाश्ता और सॉफ्ट ड्रिंक का आनंद ले सकते हैं। नागवा बीच से ही 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये गंगेश्वर महादेव का मंदिर। 5 शिवलिंग से बने इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक खुद समंदर देवता आके करते हैं।
के 24 घंटे और साल के 365 दिन समंदर के जल से अभिषेक करता हुआ ये गंगेश्वर महादेव। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और नए हो हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें।